लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में अंतिम बचे नाबालिग दोषी को भी चिल्ड्रेन सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 60,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई सुनवाई में विशेष जज ने यह सजा सुनाई। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि नाबालिग का व्यवहार ही घटना के दौरान सबसे अधिक आक्रामक था। इसने एक बार दुष्कर्म करने के बाद दोबारा फिर से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, साथ ही बार बार जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2019 की शाम संग्रामपुर में लॉ छात्रा से 12 अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें 2 मार्च 2020 को न्यायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया था।